पिछले 20 साल से इस फील्ड में है और इफ़ी अपेरल के नाम से इनका ब्रांड है, तो आज हम वो पार्टनरशिप जो है वो साइन करने जा रहे हैं। सो आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ी आप कुछ कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम जी, और सबसे पहले तो आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आई एम द सीईओ ऑफ इफ़ी अपैरल कंपनी। इट्स अ फैशन टेक्सटाइल इंटरनेशनल ब्रांड, और द कोलैबोरेशन विद द लाहौर कलंदर इज जस्ट लाइक अ माइलस्टोन वी हैव अचीव्ड। एंड इसलिए हम इस पर कुछ एक्टिव वेयर ब्रांड की तरफ हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं इसको। और लास्ट ईयर इट वॉज वेरी गुड वर्किंग विद लाहौर कलंदर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ कलंदर। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू अवेल अस, और आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कपड़े सिलवा इसीलिए तो स्पोर्ट्स फैशन के साथ ब्रांड साथ बैठे हैं कि जो जिस तरह मेहनत से हमने, आपको पता है कि हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें हमने 6 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए, और फिर वहाँ से जो हीरे निकल के सामने आए, तो शुरू के सीजन में हमें नाकामियों से दो चार होना पड़ा, बट ये कि हम मेहनत करते रहे ग्रास रूट लेवल पे, और फिर उस मेहनत का समर ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स को मिला बल्कि पाकिस्तान को भी मिला। सो अब इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी की क्यादत में हमारी पूरी कोशिश है और ख्वाहिश है और तैयारियाँ हैं कि हम एक दफ़ा फिर अपने टाइटल का दिफा करें और हैट्रिक करें। और लास्ट ईयर हम कराची में, आपको याद होगा कि हम एक लास्ट जब कराची में हम खेले थे एक फ़ाइनल, उस पर हम कराची को जेर नहीं कर सके थे, लेकिन इस दफ़ा पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कराची में फ़ाइनल हो और वहाँ पर भी जो है जो अपना लोहा मनवाएं। देखिए राशिद बहुत बड़ा प्लेयर भी है और इंसान भी है और कलंदर फैमिली का पार्ट है। ऑब्वियसली हम अपने उस कलंदर ब्रदर को मिस करेंगे, बट ये चीज़ें खेल का हिस्सा होती हैं, इंजरीज भी होती हैं आपको और आप कई दफ़ा अवेलेबल भी नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। नहीं, कोई फिक्र नहीं पड़ी। देखिए गेम का हिस्सा है, आप कभी हारते हैं कभी आप जीते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और मैं नहीं समझता कि कोई एक आध इवेंट के ऊपर है, एक आध मैच की परफॉर्मेंस पे हम राइट ऑफ करें। शाहीन कल भी एक बेहतरीन बॉलर था और हारिस कल भी दुनिया का नंबर वन बॉलर था, आज भी नंबर वन बॉलर है। इंशाल्लाह आप देखेंगे और फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बने, और उसके बाद आपने देखा कि हर सीज़न में जब फ़ख्र कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं तो टॉप स्कोरर होते हैं। तो इंशाल्लाह जो कलंदर्स के फैंस हैं उनकी दुआओं से आप देखेंगे कि इस सीज़न में भी हारिस, शाहीन, फ़ख्र, ज़मान, जितने हमारे प्लेयर हैं, वी डेविड वीजे हैं, बस सारा बहुत अच्छा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। सारी तो बता दिया तुझे पहले क्या बताना है। नहीं देखिए बात ये कि ऑब्वियसली अब PSL एक बड़ा ब्रांड बन गया है पाकिस्तान का, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि हमने इतनी एफर्ट से इस ब्रांड को बनाया। सो हम अगर कंट्रोवर्सी में ना ही पड़े तो बेहतर है। कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स का ये ख्याल था कि हमें शायद इस तरफ नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने PCB से रिक्वेस्ट की और PCB ने इस बात को मान लिया, बट किसी की यहाँ पर तस्दीक करना मकसूद नहीं है या किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ब्रांड है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है, उसको हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा तवाना करें, ताकि आने वाले सीज़न में लोग भरपूर तरीके से खुशी मना सकें। आपने देखा कि जिस तरह हमारे मुल्क में पिछले दिनों कितने ज़्यादा हालात उस तरह के रहे, डिप्रेसिंग रहे, तो PSL जो है वो एक उम्मीद की किरण है कि दोबारा फैंस जो हैं, शायकीन क्रिकेट जो हैं, वो स्टेडियम में आएँगे और अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन इसी तरह से बूस्ट होगा कि लगातार 3 ट्रॉफियां जीत जाएंगे और क्या होगा। देखिए शाहीन ने वो करके दिखाया जो ब्रेंडन मैकेलम नहीं कर सके, जो अजहर अली नहीं कर सके, जो हफीज़ भाई नहीं कर सके, जो AB डिविलियर्स नहीं कर सके, जो सुहेल अख्तर नहीं कर सके, मतलब जो ब्रावो नहीं कर सके, क्रिस गेल नहीं कर सके, वो शाहीन ने करके दिखाया कि लाहौर को ना सिर्फ चैम्पियन बनवाया बल्कि बैक टू बैक चैम्पियन बनवाया और अपने टाइटल का दिफा भी किया।
सो एक आध अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो ये गेम है और क्रिकेट को कहते हैं इट्स अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। जाहिर बात है बाकी टीमें भी घर से खेलने ही आई हैं, सो कोई एक आध परफॉर्मेंस पे आपको किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। और मेरा जाती ख्याल है कि शाहीन ने जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स की टीम को आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस कि चार साल हम बॉटम पे रहे और उसके बाद दूर दूर तक लोगों ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जब शाहीन कप्तान बना तो उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि ना सिर्फ एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है बल्कि एक बहुत बड़ा लीडर भी है। टेस्ट मैच देखिए बात यह कि तो शाइकिन के इंटरेस्ट के ऊपर है। आप मुझे बताएं अगर पाकिस्तान में टेस्ट होता है तो कितने लोग देखने आते हैं? चंद मेरा ख्याल लोग होते हैं। अगर जब वनडे होता है तो कितने लोग देखने आते हैं? जब टी ट्वेंटी होता है तो मुझे अपने टीम का पता है कि हम 13 मैचेस हमने खेले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुपर लीग में, 13 फुल हाउसेस थे, सोल्ड आउट था सारे। हमारी टिकट जब अनाउंस होती है तो आधे घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो जाती है। सो आप मुझे अब पहले लोग इस बात पर हमें बैशिंग करते थे कि यार ये जीतते नहीं है, अब इस बात पर बैशिंग होती है कि टिकट नहीं मिलती। सो लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं ना, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं या आपको एंटरटेनमेंट क्यों करते हैं या आप किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्यों जाते हैं, किसी भी काम में क्यों जाते हैं, जहाँ लोगों का इंटरेस्ट होता है। सो अगर लोग पब्लिक देखना चाहती है, अगर पब्लिक जोक दर जोक टेस्ट मैच में आती है तो डेफिनेटली हमें उस पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर पब्लिक में जो है वनडे के अंदर तिल धरने की जगह नहीं मिलती तो डेफिनेटली एडवर्टाइजर भी उसमें आएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। सो मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट की दुनिया और क्रिकेट हमारे मुल्क की वाहिद एंटरटेनमेंट है। सो उसको जितना अच्छा हम खूबसूरत बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा, क्रिस्प बनाएंगे। देखिए इनफॉर्मली तो इफी के साथ बड़े देर से पार्टनरशिप चल रही थी, इसको हम फॉर्मल करने की कोशिश करें। पीएसएल जो है ना वो एक सिर्फ क्रिकेट नहीं है, पीएसएल का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी भी इस तरह ग्रो करती है, आपके टूरिस्ट भी आते हैं, आपकी टिकट सेल भी होती है, आपके खाने भी जाते हैं, आपके डिफरेंट ब्रांड्स जो प्रमोट होते हैं। और हमारा काम ये है कि हम पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें। सो इफी अपेरल जो है उनको हम इसलिए प्रमोट करना चाहते हैं कि हमारा अपना ब्रांड है और जो तखलीकी सलाहियतें हैं वो पाकिस्तानियों में भी कम नहीं है। जिस तरह हमने क्रिकेट में आपने देखा कि हमने साबित किया शाहीन हारिस मकर की सूरत में कि ग्रास रूट लेवल से हमने उठाए। सो इसी तरह जो हमारी जो एसोसिएट इंडस्ट्रीज हैं जिस तरह टेक्सटाइल की है, सो इनको भी हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला के इनका भी काम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड में बेइंतहा टैलेंट है।